everyone, welcome to my channel Beyond Lentils. मैं हूँ स्नेहा और आज मैं आपको कोरिएंडर चिकन मसाला विद ग्रीन चिलीज बनाना सिखाऊंगी. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इसकी डिटेल रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. ये डिश देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उतनी ही लाजवाब है. धनिया और हरी मिर्च इस डिश में जादू सा ही घोल देते हैं. आइए आज हम ग्रीन चिली चिकन बनाते हैं. इसके लिए 1 kg चिकन ले छोटे टुकड़ों में कटे हुए और उसे धोकर साफ कर लें. अब 350 ग्राम हरी मिर्च लें. ये कम तीखेपन वाली मिर्च है. इन्हें धो लें और इनके डंठल तोड़ लें. अब 250 ग्राम धनिया पत्ती, 4 मीडियम साइज के प्याज, 3 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच जीरा और 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट. इन सबको मिलाकर मिक्सर में एक बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को अब चिकन पे डाल दें. अब 6 से 7 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, स्वाद अनुसार नमक. इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसे 1 घंटे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें. अब चिकन कुक करने के लिए एक पैन गर्म करें तेज आंच पे और उसमें 5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालें, 3 तेजपत्ता, 1 बड़े चम्मच जीरा और अब इसमें हरी मिर्चें डाल दें. इन मिर्चों को हल्के हाथों से चलाना है बिना तोड़े हुए. इसे ढक दें. 1 मिनट बाद ढक्कन उठाएं और फिर से चलाएं. मिर्च थोड़ी पक गई हैं. अब इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. 5 मिनट यूं ही पकाने के बाद इसे ढक दें. फिर 2-3 मिनट बाद चेक करें और चिकन को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करें. अब मसाले डालेंगे. 1 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3 बड़े चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला पाउडर, 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि सारे मसाले चिकन पे अच्छे से लग जाएं. अब आंच एकदम कम कर दें और इसे ढककर पकाएं. बीच बीच में ढक्कन उठाकर चेक करते रहें और चलाते रहें. अब लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं. इसे फिर से चेक कर लेते हैं और चला लेते हैं. इसे चिकन के पूरी तरह पक जाने तक और मसाले के तेल छोड़ने तक ढककर पकाते रहें और यूं ही बीच बीच में चेक करते रहें. अब लगभग 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे. ये देखिए ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है और चिकन पूरी तरह से पक गया है. आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं. आप इसे ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें.